हेलो एवरीवन, जाट ऑन व्हील्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। अगर आप मोटर व्लॉगिंग पसंद करते हैं और आपके पास गोप्रो है या इसी तरह का कोई आपका एक्शन कैमरा है, तो उसके लिए हमें हेलमेट के अंदर अपना ये इसमें अपना माइक लगाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप जैसे राइड करते हैं तो उसमें आपको बोलना पड़ता है, कमेंट्री करनी पड़ती है, तो वो रिकॉर्ड हो जाती है। साथ ही साथ उसके लिए हमें एक माइक की ज़रूरत पड़ती है जो गोप्रो के साथ लगता है। उसके पहले एक बीच में अडेप्टर भी लगता है, तो ये चीज़ें लगती हैं। मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए, ये है अडेप्टर जो गोप्रो के साथ अटैच होता है, और इसके साथ फिर लगता है एक्सटर्नल माइक। और इससे पहले मैं काफ़ी माइक यूज़ कर चुका हूँ, लोकल, मोस्टली लोकल ही मैंने माइक यूज़ की हैं अभी तक अपनी मोटो व्लॉगिंग में। तो पहली बार मुझे एक ब्रांडेड माइक मिला है, ये है अपना सोनी का ECWLV1 का माइक, ये देखिए। और ये एक ब्रांडेड माइक है और काफ़ी अच्छे मैंने रिव्यू देखे हैं और काफ़ी वीडियो भी देखी हैं, तो काफ़ी शानदार है ये माइक, जिसको अभी मैं अपने हेलमेट में लगाने वाला हूं। और आगे जितने भी मेरे व्लॉग्स आएंगे तो आप इस जो माइक के थ्रू मेरी आवाज़ सुनेंगे, तो आप मुझे बताना कि कितना फ़र्क है मेरे पुराने माइक में और मेरे इस सोनी के नए माइक में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी पिछले महीने, तो वो भी लोकल माइक था, तो उसमें बात अच्छी ये थी कि एक फ्लेक्सिबल माइक था, वो आप किसी भी एंगल पे उसको मोड़ सकते थे, और लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो शॉर्ट था और सभी हेलमेट के लेंथ में वो लगना बहुत मुश्किल था, तो वो मैंने वापस कर दिया। तो उसके बदले फिर अब मैंने ये मंगाया है फ्लिपकार्ट से, और अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है, ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इसका प्राइस लगभग 1890 या 99 ऐसे ही है कुछ, मतलब कि 1900 रुपये के करीब मिलेगा आपको ये फ्लिपकार्ट पे। तो मैं इसको खोल के देख लेता हूँ, अनबॉक्सिंग कर देता हूँ सबसे पहले तो। और इसको आए लगभग 2-3 दिन हो गए हैं, अभी तक मैंने खोल के देखा ही नहीं है। अच्छा, तो ये है इसका माइक, और ये वायर, इसकी 1 मीटर की वायर है, इसकी ज़्यादा लंबी वायर तो है नहीं, सिर्फ 1 मीटर की वायर है। और इसमें एक क्लिप लगा हुआ है आपको यहाँ पे अपना अटैच करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं अपने कॉलर पे भी अटैच कर सकता हूँ, इसमें क्लिप लगा हुआ है, तो हेलमेट में भी हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये फोम है इसके साथ, और ये है इसका माइक, इसमें लेफ़्ट और राइट की डायरेक्शन दी गई है, उसी हिसाब से हमें रखना पड़ेगा ये डायरेक्शन पे, और ये फोम इसके साथ लग जाएगी, तो जो भी हवा का शोर आता है तो इससे काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाता है इस फोम के कारण। तो ये फोम इसलिए लगाई जाती है कि हवा का जो भी शोर हम हेलमेट के अंदर आता है तो उसको काफ़ी कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। और इसकी लेंथ और TRS टिप दिया हुआ है, सबसे बड़ी दिक्कत हमें आ रही थी TRS टिप की, इसके साथ TRRS जो भी लोकल माइक से उनमें आता था, जो मोबाइल के साथ अटैच होते थे, उसके साथ मुझे एक अडेप्टर लगाना पड़ता था। इसमें कोई अडेप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम अपने GoPro में लगा सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ लगेगा हमारे GoPro में, ये मेरा GoPro है, ये मैंने अडेप्टर को लगा दिया अपने GoPro के साथ, और ये मेरा अडेप्टर है, और ये डायरेक्ट ऐसे लग जाता है। तो अब मैं इसको अपने हेलमेट में फिक्स करूँगा, तो मैं कुछ भी मैं बातचीत करूँगा, तो आप बताना कि पहले वाला माइक और इस माइक में क्या फ़र्क है। तो ये हमारा ये क्लैंप लगा हुआ, कनेक्टर लगा हुआ है हेलमेट पे, ये लग गया है, और इसको मैं कहीं भी लगा दूंगा अंदर। तो गाइस, मैंने हेलमेट के अंदर अपना ये माइक को फिट कर दिया है, और अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे नए सोनी माइक की आवाज़ सुन रहे हैं। तो आपको कितना डिफरेंस लग रहा है इस माइक की आवाज़ में, और इससे पहले मैं लोकल माइक यूज़ करता था, तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये माइक कैसा लगा। और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, और 1900 रुपये समथिंग इसका प्राइस है।
माइक के साथ कुछ ये ब्रोशर्स आपको मिलते हैं इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 1 मीटर इसकी वायर है और माइक है और कुछ ब्रोशर्स। तो गाइस आपकी कोई भी क्वारी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाट ऑन व्हील्स, जाट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर व्हील नॉट व्हील्स, उस पर जाके भी मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो अंत में दोस्तों राइट हार्ड राइट से वंदे मातरम जय हिंद सायनारा। एक मिनट, नेक्स्ट वीडियो का मटेरियल ये है जेरिकेन, 5 लीटर जेरिकेन है हमारी बाइक के लिए, और इसकी हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि मैं अपने बाइक में इंस्टॉल करूंगा, इसका जो सेटअप होता है। और बाइक के साथ ये अभी बाइक के साथ मैंने लगाना है, अटैच करना है, और कैसे इसका हम अपने बाइक के साथ अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ताकि जेरिकन को गिरे ना, कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो सेफली हम ले जा सकें, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बाय।